नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। चले चलते आज के फटाफट खबरों की ओर। हत्या मर्डर केस में पुलिस टीम आफ्ताब को लेकर एफएसएल पहुंची। एनआईए को मिले 10 दिन के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। इंडोनेशिया भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 271 हुआ, 40 लोग अब भी लापता। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन में 3 की मौत, 6 घायल। मुंबई के गैंगस्टर रविंद्र मारुति गिरफ्तार, पुलिस को 23 साल से तलाश। पीएम मोदी गोवा में रोजगार मेला के तहत युवाओं को करेंगे आज वर्चुअली संबोधित। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। कोरोना ने चीन में फिर मचाया तांडव, नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज। पीएम मोदी की G20 तैयारी बैठक में 5 दिसंबर को शामिल होगी बंगाल सीएम ममता बनर्जी। दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश समेत कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। टनकपुर शारदा नदी में 60 वर्षीय व्यक्ति ने लगाई छलांग, जल पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। गदरपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे प्रभारी मुकेश कोहली का गदरपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। गदरपुर लाखों की राशि हड़पने वाले को भेजा जेल। लालकुआ के वाहन स्वामियों का प्रदर्शन। मसूरी में कैंपी पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत। काशीपुर अपंजीकृत चिकित्सकों को प्रशासन ने दिखाए तीखे तेवर, कई अस्पतालों पर गिरी गांज। हरिद्वार में नकली नोट चलाने वाले एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। धारचूला में वाहन के ऊपर गिरा होल्डर, 2 की मौत। रुड़की में 26 को देहरादून में होगी किसान महापंचायत। देहरादून में शुगर मिल डोईवाला के पेराई सत्र का आज से होगा शुभारंभ। डोईवाला शुगर मिल गेट के बाहर धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार गन्ना समिति हरिद्वार में संगीतपुर के किसानों ने DCO गन्ना समिति हरिद्वार को सौंपा ज्ञापन। खटीमा अवैध अतिक्रमण, प्रशासन ने किया ध्वस्त, रोते बिलखते रहे परिजन। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, केदार भंडारी के माता पिता के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता। जोशीमठ में सड़क के नाम पर हेराफेरी।